Check, check, check. As always, please welcome on stage. Thank you, Ruchi. जैसा कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, बहुत परेशान हूँ, तृप्त हो गया हूँ, हालत ख़राब है. मेरी परेशानी जो है वो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ. कौन है, किसकी तरफ से, क्यों है परेशान? अरे वही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इस परेशानी के चलते ना मैंने एक लेटर लिख डाला और मोदी साहब को ये जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सीधा 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 प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख दिया. अच्छा, एंड दिस इज नॉट अबाउट जीएसटी. दिस इज अबाउट समथिंग, आई विल लेट यू नो कि मतलब जो परेशानी है मेरी, मैंने उनको इस तरीके से लिखा है कि मोदी जी, मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये गेस्ट और पेस्ट दोनों एक जैसे होते हैं. ये कभी भी कहीं से भी दोनों ही आ जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते. और फिर पेस्ट का तो एक चलो तरीका है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो निकाल सकते हैं, गेस्ट का कंट्रोल कहाँ है? कोई गेस्ट कंट्रोल नहीं देता यार, कोई बता दो. फिर ये है कि सर आपने तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्स आपने अभी पास किए हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, जीएसटी लाए हैं. मैं मतलब यही चाहूँगा कि आप हमारे लिए भी एक जीएसटी ले आओ. गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दीजिए, गेस्ट आने घर पे, अनइनवाइटेड गेस्ट, बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हम लोग. मतलब अगर आप ये लेटर और पढ़ें तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं हमारे, मतलब वो भगवान का रूप माने जाते हैं. बट अगर देखा जाए तो भगवान का रूप छोड़िए, गणपति से सीखे ना. गणपति भी 11 दिन में आके चले जाते हैं यार. माता रानी से सीखे, 9 दिन में आके चले जाते हैं. अरे लो आ गए, ऐसे ही हाँ करा है यार ये. क्या यही है वो मेहमान? अरे समझता नहीं है, मेहमान बन के आना माने कितना भरोसा करना पड़ता है आप लोगों के ऊपर यार. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Paresh Rawal as the मेहमान. Thank you, thank you. ऐसे ही समझते हैं मेहमान को, जिसके घर पे जाते हैं मेहमान बन के हम कितना भरोसा करके जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, बाथरूम में टाइम पे पानी आएगा, जो उनकी बहू होगी, जो बेटी होगी, अच्छा खाना पकाती होगी. ये जाओ तो पता चलता है कि बहू को तो अंडे बॉईल करना भी नहीं आता है, अंडे से बहू को पानी गर्म करना भी नहीं आता है. ये कहाँ की बात हो गई? और ये सब आपने, आप पहुँच गए उसके बाद में, आपने सब एडजस्ट भी कर लिया तो आप कहेंगे कि निकलो. जब पूरा एडजस्ट हो गए, मेंटली सेट हो गए, तब हमारे जाने के दिन आ गए. ऐसे थोड़ी ना चलता है. तो मेहमान एक्चुअली आपके ऊपर भरोसा करके आता है, उसका भरोसा जीतिए, उसके मेहमान नवाजी कीजिए. लेकिन मेहमान जब मेरा अंडरवेयर ही पहन के आ जाता है तो मैं क्या करूं? मतलब अरे भैया, जिस दिन आपको घर में रहता है उस दिन अंडरवेयर भी काम आ जाए ना किसी को, उसमें बुरी बात क्या कैसे है? हो जाता है लेकिन. अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, घुस जाते हैं किसी भी तरह. अच्छा, बहू रानी की बात हो ही रही थी तो हम बुला लेते हैं यहाँ पर, नॉट सो बहू रानी बट ऑलरेडी अ बहू रानी, कृति घरबंदा ऑन स्टेज एज द नॉट सो बहू रानी. I mean, he wants me to be the perfect bahu, but I cannot be the perfect bahu. मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है. कहीं से भी टपक पड़ते हैं यार, ये तो बिना बोले आ गए. चलो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन महीने कौन रुकता है चाचा जी? तो सही बात है, नहीं रुकना भी नहीं चाहिए. फिर क्यों रुके अगर आपको ऑलरेडी पता है तो? अभी क्या होता है, दिल लग जाता है ना. अरे हाय हाय, दिल लगना छोड़ो, ये खुद अकेले छोड़ो. इन लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, इस उम्र में ना दोस्ती बहुत सॉलिड हो जाती है. हाँ. बाहर निकलते हैं सैर करने, ले आते हैं 10 जनों को अपने साथ. ओहो. फिर कहते हैं बेटा चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो. जिन नेबर्स को हम कभी भी नहीं मिले, इनका कभी जाना ही नहीं, वो भी घर पे बैठे होते हैं. अगले दिन फिर वो फिर घर आएंगे, चाचा चाची ठीक है, हाँ चाचा चाची ठीक है, चलो उनसे दो बतिया बात कर लेते हैं. फिर जब वो बैठे होते हैं तो चाचा जी कहते हैं अब गेस्ट आए हुए हैं तो तुम ऐसा खाना तो नहीं बना सकती ना, पूरा का पूरा भोजन लगेगा आप टेबल पे. अब इसी के लिए बैठी हूँ क्या मैं? बिल्कुल. एक काम करते हैं, बैठ ही जाते हैं यहाँ पर, इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. कैन वी हैव सम चेयर्स ऑन द स्टेज प्लीज. मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं. ये थोड़ा गहमा गहमी ज्यादा हो गई है ऑन स्टेज, सो लेट्स टेक दिस फर्दर अहेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑन स्टेज कृति खरबंदा, परेश रावल जी एंड कार्तिक आर्यन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस लवली कास्ट ऑन स्टेज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, परेश जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि भगवान या शैतान क्या है ये मेहमान आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से मेहमान मेहमान है, अगर दो तीन दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। आई मीन आई कांट टॉलरेट देम। अच्छा मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर, लेकिन वॉट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, वॉट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? There's something really serious about it. क्या है ये? Farting तो एक अपना हर आदमी के पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता, हाँ. ये इच्छाधारी नहीं है, इनवॉलंटरी है, हाँ. तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं, बट ये बहुत मीठा वाला फार्ट करते हैं, हाँ या घर में अगर मिठास न हो तो मेहमान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं आती है। मिठास तो होनी चाहिए घर में। तो बेसिकली आई नीड टू बी अ स्वीट। अच्छा आपसे पूछना चाहूंगी, मेहमान भगवान या शैतान? मेजर शैतान। हाँ क्यों? कैन नॉट हैंडल गेस्ट। क्या 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 प्रॉब्लम होती है? अरे जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हो, दी जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ। सेकेंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो? मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उनको पड़ी होती है कि ये शादी कब करेगा। आई थिंक इनको वो फ्रीका खाना पीना चाहिए होता है कि बस आए तीन चार रोज़ मज़े करे और फिर निकल गए। एंड द वर्स्ट इज़ व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग योर बाथरूम एंड दे डोंट यूज़ इट वेल। इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग। नहीं होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए, हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। आपको अपसेट करते हैं क्योंकि उनका स्टमक अपसेट होता है। मैं मौका ही नहीं देता हूं उनको। कार्तिक आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो यही कि आपके हिसाब से मेहमान भगवान या शैतान? डू यू रियली लाइक होस्टिंग पीपल एट योर हाउस और यू डोंट? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वाला सिनेरियो रहता है। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा, हाँ, उनको रॉयली ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है, ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। ओह नो। वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊँ। लेकिन उन्होंने मेरा, उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन, पता नहीं, वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज़ कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए। एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर पे बार बार आए और मेरी चीज़ें, बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, तौलिया, साबुन, कई बार तो विमेन हैव अदर इश्यूज, उनको घिन पड़ती है जब कोई उनके किचन के अंदर घुस जाता है। एग्जैक्टली, इट्स क्वाइट डिसगस्टिंग। प्लस वो खाना अपनी पसंद का बनवाते हैं, तो वो सॉरी, सबसे बड़ी बात ये कि जब वो जाते हैं तब हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हमें बहुत दुख हो रहा है वो क्यों जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। जरूर आइएगा दोबारा। ये नौटंकी हमें बहुत भारी पड़ती है मेंटली। नहीं, पर वो जाते समय वो जो 500 रुपए का नोट देके जाते हैं, देते हैं। हाँ, पैसे देते हैं, वो अच्छा लगता है। परेश जी कहेंगे मैं उनको 500 रुपए देता हूं, उनको बोलना नेक्स्ट टाइम आने का बुकिंग है ये। ओह, एडवांस है ये, रिजर्व बुकिंग है ये। ओह, क्या बात है। अच्छा कार्तिक बताइए कि जब आपको पता चले कि कोई आ रहा है आपके घर पे, तो टालने के क्या तरीके हैं आपके पास जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे या आप आजमाते हैं कि ये बोलो तो नहीं आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, एक बार ऐसे सिचुएशन थी तो मेरे एक अंकल हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनका ट्रंक कॉल आता था तब उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो जानबूझ के जैसे ही उनका ट्रंक कॉल आता था, मतलब ये आने वाले हैं। एंड मैंने मेरी मम्मी को या पापा जो फ़ोन उठा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जब भी आने वाले हैं, अगर ये अभी फ़ोन पे बोलने वाले हैं, तो बोल दो अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज़ अभी मत आइए, अगले महीने आइएगा या दो महीने बाद आइएगा। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ, या पानी अगर आ गए हैं तो वॉशरूम की टंकी का पानी बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा, नहाते बीच नहाते हुए। ये तो भगाने का तरीका, ये भगाने का तरीका। अब मेरे पास बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके, हर चीज। खटमल नहीं कभी आपने आजमाया? कह रहे हमारे घर पे खटमल हो रहे हैं, अभी मत आओ। एक और खटमल बनने के लिए मत आओ। हाँ, एक और खटमल मत बनो, वो वाला सिचुएशन किया नहीं मैं, करूंगा अगली बार यूज करूंगा। आइडिया। अच्छा परेश जी आप बताइए, भगाने के क्या तरीके हैं किसी मेहमान को? मैं ज्यादा टिकने ही नहीं देता हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ कि भैया कितने दिन हो। वो कहेंगे कि तीन चार, तो मैं कहूँगा नहीं भैया, दो दिन के बाद मैं कहीं जा रहा हूँ या तो कहीं पे कोई और आ रहा है। मैं वो अपने आप को ब्लंट हो जाओ और सुखी हो जाओ,
क्या बात कर रहे हैं आप जी. फिर भी आते हैं लोग वो एक दो दिन के लिए कि वो भी छोड़ देते हैं कि क्या जाए. हाँ नहीं आते हैं एक दो, उनको पता है कि इनके इसके घर पे जाएंगे तो खरी खरी बात हो जाएगी, तो उनको भी कोई इल्यूजन नहीं रहता है. डू यू लाइक गोइंग टू समबडी एल्सस हाउस एज अ गेस्ट? अगर मैं जाऊँगा तो भी मैं रुकूंगा तो मैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है अगर कुछ भी उन्होंने रखा वो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा. अच्छा. उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ. ऐसा होना चाहिए, नहीं तो क्या टीवी ऑन कर दिया उनकी बातों में कूद पड़े, उनकी बातों पे ओपिनियन देने लगे, या उनकी लाइफ में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए. उनके पड़ोसियों से दोस्ती? हाँ वो तो सब वो हथकंडे है सब ज़्यादा पॉपुलर होने के. छोटा मोटा काम कर दिया पड़ोसियों का तो पड़ोसी बोलेंगे ये आपके वहाँ जो परेश चाचा आए थे बड़े अच्छे थे या, क्योंकि उनका मैं काम कर रहा हूँ. oh. उनको भी अच्छा लगता है कि कोई काम तो करता है मुफ्त में. ये सब अपने अपना एजेंडा लेकर आते हैं. कृति आप कैसे भगाती हैं अगर कोई घर पे आए हो तो कि बस अब तो जाए? अभी फिलहाल वेन एवर देयर समवन, जैसे बैंगलोर में जो हमारा घर है दो माले का है, तो जैसे कोई आता है अनइनवाइटेड, पता नहीं होता है कि आ रहा है, या दोपहर में मामा बताती है कि शाम को कोई आ रहा है, वो भी वो दूर का कोई होगा रिश्तेदार जिसने मुझे इतनी में देखा होगा, मैं ऊपर वाले कमरे में जाके बैठ जाती हूँ, चाहे वो चार घंटे क्यों ना, मैं नीचे ही नहीं उतरती, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है. और बॉम्बे में मैं अकेली रहती हूँ, कोई कभी टपक पड़ा घर पर तो मैं बेल सुनती हूँ, मुझे लगता है अरे अभी तो किसी ने आना नहीं था, तो मैं अपनी चप्पल उतार देती हूँ ताकि उनको मेरी आहट ना सुनाई दे. oh मैं डोर तक जाती हूँ, चेक करती हूँ कौन है, इफ़ आई वांट टू ओपन द डोर आई ओपन द डोर एंड इमीजिएटली पुट माय फोन ऑन साइलेंट, कि अगर मुझे फोन करे तो फोन ना बजे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंदर हूँ. मैं बहुत शातिर हूँ. ओह माय गॉड, दैट्स सम लेवल ऑफ दया दया दया. पता लगाना पड़ेगा कौन है. दरवाजा तोड़ना मत, दो ये दरवाजा तोड़ो मत रखो. अच्छा आप किस तरह के गेस्ट हैं? इफ यू गो टू समबडी एल्सस हाउस? आई हेट बीइंग अ गेस्ट. ना मुझे अपनी लाइफ में कोई जबरदस्ती पसंद है, ना मुझे किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व होने का कोई शौक है. आई लव माई स्पेस. अगर मैं गेस्ट बनती भी हूँ, आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ गेस्ट हु प्रॉब्ली गो टू द हाउस एंड क्लीन इट, क्योंकि मुझे really? या अगर उनका बाथरूम गंदा है तो आई कांट इवन थिंक अबाउट यूजिंग इट माई सेल्फ. चलिए आइए आज आप मेरे घर पे गेस्ट. नहीं मैंने वो किया तो यू आर बेसिकली सेइंग कि तुम्हारा घर गंदा है. नहीं नहीं थोड़ा और बेटर हो सकता है. हाँ वो तो एक औरत के आ जाने से होता ही है कार्तिक आर्यन. कार्तिक आप किस तरह के गेस्ट हैं? जी मैं बहुत अच्छा गेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मैं प्रिविसी. व्हाई कैन आई इमेजिन यू वेयरिंग योर बॉक्सर सिटिंग एंड वाचिंग टीवी लाइक दैट एंजॉयिंग? इज दैट योर फैंटेसी? यू आर इमेजिनिंग मी लाइक दैट राइट नाउ? नो द थिंग इज कि गेस्ट की तरह जाना, मैं अच्छे से गेस्ट रहता हूँ यार. मैं किसी को तंग नहीं करता, वो मुझे तो ऐसा ही लगता है. हाँ. वो गेस्ट से अगर जो ओनर है घर का उनसे पूछेंगी तो वो ज़्यादा बता पाएंगे या रिलेटिव्स मेरे, क्योंकि अभी मैं वाइल प्रमोटिंग द फिल्म मैंने इतने गेस्ट की अपनी बुराई कर चुका हूँ ना. oh. कि अभी मेरे को कोई गेस्ट एज अ गेस्ट नहीं लेने वाला है अपने घर. लकी हुआ. बॉटल से सीधा पानी पीते हैं किसी और के घर जाके? बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? हाँ झूठा मैं कर लेता हूँ पानी. वाह वाह. बहुत चीज़ें करता हूँ यार मैं बेडरूम में. कुछ हरकतें ऐसी हैं कि मैं जानबूझ के, जैसे टीवी का रिमोट अगर मतलब कोई है वहाँ पे कि मेरे को टीवी का रिमोट देना ना. गेस्ट होते तो आपके पास ये सब थोड़ी सी मतलब एक चीज़ें होती हैं जो आप मांग सकते हो कि आंटी वो टीवी का रिमोट दे दो, जबकि मैं उठा सकता हूँ जा सकता हूँ. अपने घर पे खुद ही कर रहा होता हूँ. हाँ. वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी. डू यू मेक योर बेड व्हेन यू गो टू समबडी एल्सस हाउस? Do I make it? Yeah. No, they make it. I'm for just me. Asking you about the morning after, huh? Nothing before that. No, before that, yeah, I'll make it, obviously. before that, you will. Oh, okay. Very okay, nice. I think 5 days to the movie, and sab log bahut besabri se intezar kar rahe hain guest in London ka. The trailer looks fabulous. Time Thank and you. Again, log guma guma karke usi ko dekh karke abhi tak man behla rahe the, but now finally the movie is going to be out. So, teen log, teen reasons why you think, you know, we should go and watch the film the coming weekend. Bataiye, Kriti. The coming weekend, see, I feel like Guest in London is a film which is a wholesome family entertainer. Isme sab kuch hai, chahe wo comedy hai, chahe wo emotion hai. I feel like there's a great chemistry between the four actors and the director, of course. I feel hum pancho bahut acche tarike se gel ho gaye the. Aur wo aapko maza screen pe dikhega. It's one of those films which I feel like aap apni family ke saath jaake dekh sakte hain, apne guests ke saath jaake dekh sakte hain. It has two sides. Like every coin has two sides, the film has two sides too. So I think it's going to be a very interesting film to watch. I'm sure. End hote hote kuch to hai jo ki hume yahan par maza aane wala hai. Parish ji aap bataiye why? I think whatever she said that I think that is correct. Yahi hai mudde. Aur kyunki achhi picture hai
और अभी कोई अच्छी पिक्चर आ नहीं रही है, ये भी एक रीजन है, तो ये देख लेना चाहिए। बस इसके आगे तो क्या ही कहेंगे आप, अब बताइए। पिक्चर चलेगी, पिक्चर सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर सबको अच्छा ही दिखेगी, लेकिन उसके पहले सब देखेंगे तो सक्सेसफुल होगी। इसके लिए देखिए, अच्छी पिक्चर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्तिक बताइए। अगेन मैं जो कृति ने बोला वो भी बहुत सही बोला, जो परेश जी ने बोला वो तो और भी अच्छा बोला। एंड उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रीजंस यही दे सकता हूँ कि फिल्म तो अच्छी है ही। ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अमेजिंग था, उसके अलावा इनके फार्टिंग का रिस्पांस बहुत अमेजिंग था, एंड इनके ट्रिमर का यूज़ करने का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं इस फिल्म को देखने के। बट एज अ फैमिली एंटरटेनर, एक फिल्म आ रही है जो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, एंड और बहुत अच्छी क्लीन कॉमेडी है। इसमें आपको मम्मी पापा के साथ जाके शक्ल नहीं छुपानी पड़ेगी कि यार ये वाला सीन चुपचाप देख रहा हूँ। तो यू नो, चाचा चाची मामा मामी के साथ मत जाओ। नहीं, जाओ जाओ, मैं तो बोलता हूँ गेस्ट, जाओ जाओ उनके साथ, जाओ मेहमानों के साथ, जाओ सबको लेकर जाओ, टिकट्स बढ़ती हैं। तो आप सब देखने जाइए, इट्स अ होलसम एंटरटेनर, एंड डू वॉच अ मूवी। आई थिंक GST आने के बाद में वैसे भी टिकट्स के भाव कम हो जाने हैं, ऐसा कह रहे हैं, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच द मूवी नाउ। आई ओपन द फोरम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम मीडिया, सो कैन वी प्लीज रोल सम माइक्स। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हम मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यानी कि कुमार मंगत पाठक साहब को और अभिषेक पाठक जी अगर आ चुके हैं तो उन्हें, साथ में अश्विनी धीर जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज, कैन वी हैव चेयर्स ऑल्सो। अश्विनी धर जी, अश्विनी धीर, अश्विनी धीर जी, तब तक सवालों की आई थिंक शुरुआत कर देनी चाहिए हमें। आइए सर। वेलकम सर। ओके, कुमार मंगल जी का जब तक हम कर रहे हैं इंतज़ार, उनकी तबीयत भी थोड़ी सी आज नासाज है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे आप पसीना पसीना होकर के आए हैं यहाँ पर, इज दैट द एंजाइटी? ओहो, तो मैं क्या, तभी तो बाहर चला गया था मैं, बोलिए। सो इज इट 5 days टू द फिल्म एंड यू आर फीलिंग द प्रेशर, द नर्वसनेस? नहीं, प्रेशर सुबह रिलीज हो गया, अभी तो कोई फील नहीं कर रहा हूँ। Thank you so much. Are you, what is it with liking toilet humor so much? Is it a toilet humor? Is it not? I don't think so. No? No. So I am thinking of, oh, that means mera I can't stop you from thinking. Nobody can stop anybody from thinking. Koi pressure nahi hai. Pehle bhi humne film banayi hai. Ye bhi banayi hai. Jitna achha kar sakte the kiya hai. Jitni mehnat kar sakte the kiya hai. Imandari se kiya hai. अब जब ईमानदारी से किया तो प्रेशर बिल्कुल नहीं है, जो होगा सामने होगा शुक्रवार को। क्या बात है। कैन वी हैव सम क्वेश्चंस प्लीज फ्रॉम द मीडिया? ओके, हेलो परेश जी। यस, हाय, दिस नश्मीना फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स। मेरा सवाल आपसे, यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप दोनों के साथ काम कर रहे हैं, यू नो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लाइक एक एक क्वालिटी अगर आप बता सके कि आपको क्या अच्छा लगा व्हाइल यू वर वर्किंग विद देम, यू नो। इनकी एक क्वालिटी जो आज का यंग जनरेशन, उनकी ये क्वालिटी ये अच्छी, सबसे अच्छी ये है कि दे नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अपनी सक्सेस को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। वेरी डिसिप्लिन, करियर ओरिएंटेड है, वेरी फोकस्ड लोग है ये क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र के बाद, इतना सारा इंडस्ट्री में रहने के बाद में आप थोड़ा इजीली लेते हैं बातों को, चीज़ों को, तो वो जो रस्ट है आपके दिमाग का, जो जंग है वो निकल जाता है। वो जो यूं समझिए कि लेथार्जी जो है वो इनकी वजह से निकल जाती है। तो मैं माने सही मायने में शुक्रगुजार हूँ। यूजुअली टैलेंटेड पीपल, तो एक तो ये प्लस साइड है। थैंक यू। जो जो फोन करके बोला था, बात की थी हमने, आपने सब बोल दिया, सब बोल दिया सर, थैंक यू। हाय कार्तिक, रवि, या हाय हाय कार्तिक, जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत फेमस मोनोलॉग
प्यार का पंचनामा में बहुत एक फेमस मोनोलॉग था जी. वो उसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा, जब भी आप जहां भी जाते हैं लोग नहीं छुड़वाना चाहता जी. तो जी. मैं जानना चाहता हूँ क्या इस फिल्म में भी कोई ऐसा मोनोलॉग है जो आपको मौका मिला है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, मना कर दिया था उन्होंने. नहीं, मैं अपनी USP रिपीट नहीं करूंगा इससे. तो नहीं, सॉरी, हमारा तेरा जवाब मैंने एग्जैक्टली यही जवाब था. एक्चुअली जोक्स अपार्ट, हम लोग वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए. बट ये एक अलग फिल्म है और इसके USP और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है. हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है. तो आई थिंक इसका USP बहुत एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. सो दैट्स द रीज़न, देयर इज़ नो मोनोलॉग इन दिस फिल्म. एक और सवाल कि परेश जी बहुत मंझे हुए एक्टर हैं, बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं. जब कभी इस तरह के एक्टर्स के साथ, मंझे हुए कलाकार के साथ आप कोई नया व्यक्ति काम करता है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार सामने वाला कुछ, उसके सामने मैं कम ना पड़ जाऊँ, कैसे एक्ट करूँ. तो ऐसा कोई सेट पर कुछ ऐसा माहौल था या कुछ आपको परेश रावल जी ने टिप्स दिए ऐसे कुछ? परेश जी के साथ मेरा बहुत ही फर्स्ट डे से खतरनाक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, और बहुत ही मतलब हम लोग एक आई मीन ही इज़ वेरी सीनियर टू ऑल ऑफ अस, एंड मतलब मैं बड़ा हुआ उनकी फिल्में देख देख के. एंड जब मैंने सुना कि मेरे को बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गया था. एंड उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जब से मिले तब से वी हिट इट ऑफ रियली वेल, एंड ये बहुत हम लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यंग टैलेंट्स को, एंड जो एक बहुत कम एक्टर्स में भी होता है. तो बी इट ऑन सेट ऑफ सेट, ऑन सेट भी मतलब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करने देते हैं, एंड यू नो क्यूज तक दे देते हैं कभी कभी, एंड यू नो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मस्ती मजाक होता रहता है. तो आई थिंक बहुत मज़ा आया मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था. एंड या परेश जी आपसे एक सवाल है कि आपने पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर किरदार हैं आपके, अगर हेरा फेरी की बात की जाए और भी कई किरदार हैं. तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पिछले 4 दशकों में आपका सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है, किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे, या बेस्ट कॉमेडी फिल्म आपकी जिसमें आपको लगता हो कि यार बहुत सेटिस्फाइड फील किया हो कि ये रोल मेरे को करके मज़ा आया? मुझे जो भी रोल अगर अच्छा लिखा हुआ हो, मैं बार बार कह चुका हूँ आई थिंक, अच्छा लिखा हुआ हो, जो रोल मुझे करने में डर लगे, जो मुझे एक लगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और वही डर मुझे मोटिवेट करता है, और उस ऐसे रोल को जब मैं निभाता हूँ और जब लोगों को पसंद आता है, मेरे डायरेक्टर मेरे राइटर को पसंद आता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है. तो उस किस्म की फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, तो मुझे उस तरह से मज़ा आया है. मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि जब हम मेहमानों की बात करते हैं, कहावत भी है बहुत पॉपुलर कि मेहमान को भगवान मानना चाहिए, जैसे कि आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं कि हम अपने देश के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं बीफ बैन के नाम पर. फिल्म की बात करें सर तो बेटर है. तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर. बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल, लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर. Just let's talk about film, sir. Please, it's a humble request. He's also an MP, no, so I'm no, asking. No. He is film come here. He has come here. Sir, please, it's a humble request. He has come here as an actor. The next question, please. Okay. Parishri, Neha here from Bollywood now. Yeah. I can hear your name. Yeah, but yeah. Left, right. Okay, that side, towards the left. परेश जी फिर से अतिथि बनने की कोई खास वजह, क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव एन्जॉयड वर्किंग विद द टीम, अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है, एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रही है हमारी. दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था, अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, और तीसरी बात यह कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है.
ये मेन वजह है। हाय सर, दिस इज मिनी फ्रॉम इंडिया टुडे। स्ट्रेट स्ट्रेट। हां सर, हाउ डिफरेंट और व्हाट विल बी न्यू इन दिस मूवी एज कंपेयर्ड टू अतिथि? क्या हम देख पाएंगे इस मूवी में? व्हाट ऑल कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी? कहानी अलग है, किरदार अलग है, और इसका जो इमोशनल हुक जिसे आप कहते हैं वो बड़ा ही अलग है और रिलेटेबल है, तो बात आपको जट से समझ में आ जाएगी। और सर, सिंस जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज देयर आर स्टिल मेनी पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट एंड मेनी पीपल। फिर वहां पे आप आ गए, हम अभी बोला ना, अभी फिल्म के बारे में, फिल्म के बारे में। जीएसटी मींस गेस्ट स्टॉप स्टॉपिंग ट्रेंड, वो उसके बारे में बात, फिल्म के बारे में। जीएसटी मींस गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड एंड वी वांट टू सपोर्ट दिस ट्रेंड। या एनीबॉडी एल्स? ओके, अश्विनी जी, हाय, ऑन योर लेफ्ट, यहां सामने। हाँ जी अश्विनी जी, क्योंकि अतिथि तुम कब जाओगे में भी हमने देखा आपने डायरेक्ट की, और अब गेस्ट इन लंदन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? जैसा कि परेश जी ने भी बताया कि यंगस्टर हैं और उसमें अजय देवगन जी थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस गेस्ट इन लंदन का? यहाँ चार यंगस्टर थे मेरे पास, परेश रावल, तन्वी आजमी, कार्तिक आर्यन और कृति, चारों यंगस्टर। बिकॉज जिस तरह का माहौल सेट पर रहता है तो पता नहीं चलता कि किसकी उम्र बढ़ी किसकी घटी। तो परेश जी ऑलवेज डिलाइट टू वर्क विद, दिस इज द माय थर्ड फिल्म आई हैव डन विद हिम, 1, 2, 3 अतिथि और ये। तो परेश जी के साथ काम करना तो हमेशा अद्भुत रहा, और बाकी कार्तिक और कृति जब पहले दिन ही शूट किया तो मुझे लगा कि आज भी हमने जब देखा स्क्रीनिंग तो मुझे किसी ने बोला कि बहुत प्रॉमिसिंग है दोनों, ये रॉबिन भट्ट ने बोला मुझे देखने के लिए। थैंक यू। सो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बिकॉज पहली चीज़ क्या होती है, मैं समझता हूँ एक्टर अगर नया है और उसको डायलॉग फटाक से याद हो जाते हैं ना, मतलब बेसिक क्लियर है, तो सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की ये है कि बेसिक क्लियर है, और बाकी अच्छे और बुरी एक्टिंग तो हर फिल्म के हिसाब से करते रहते हैं लोग, बट हाँ एक हर फिल्म के हिसाब से होती है, बेसिक क्लियर है, सिंसियर है। तो अनुभव जो था, इनफैक्ट आई एम मिसिंग तन्वी जी है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अजय देवगन जी को मिस करते हैं आप इस फिल्म को? क्यों मिस करूंगा, अजय अजय जी थे इस फिल्म में, मिस क्यों करना? अच्छा मिस तो तब करते फिल्म में ना होते। अच्छा, इज देयर इन द फिल्म। परेश जी आपने बताया कि दिल लग जाता है इसलिए हम किसी के घर में रुक जाते हैं, करेक्ट? अभी आपने रुचि जी का जवाब दिया आपने, तो जानना चाहेंगे दिल मतलब बेटे से लगता है या बहू रानी से? क्या बात है, ये वही बात, किधर हाथ उठाओ भाई फिर से, ये सही बात है। आप गेस्ट बन के जाते तो किससे दिल लगता है पहले ये बताइए, भैया से कि भाभी से? पहले मैं, अरे पूछना पड़ेगा भाई, हम ना, ना आप सवाल सिर्फ आप ही पूछेंगे क्या? अभी जमाना बदल गया है, मीडिया से हम भी सवाल कर सकते हैं। गलत कह रहा हूँ सर मैं? भाई आपने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी जाता है तो बहू से दिल लगता है, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो परेश जी से बेटर मैं जवाब दूंगा कि आपका भैया से लगता है कि भाभी से लगता है? परेश जी कुछ बोला? पहले परेश जी नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा, स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है, परेश जी जवाब नहीं देंगे इसका। परेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? क्या कहेंगे परेश जी, अरे भाई बोल तो दिया है, आप जवाब दीजिए पहले, भैया की भाभी, फिर परेश जी बोलेंगे। परेश जी के बाद मैं बताता हूँ, आप बताइए ना पहले। चलिए नेक्स्ट, परेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से, परेश जी बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया अगर सनी लियोन है तो भी भाभी है। बात तब बात होती है, एक तरफ सनी देओल एक तो सनी लियोनी, अब पूछो किससे दिल लगता है। अच्छा परेश जी लंदन में कैसा रहा शूट करने का एक्सपीरियंस? हमने ट्रेलर में बहुत मजा आता है, लंदन में तो बहुत मजा आता है, और मैंने कार्तिक को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहता था, ज़्यादा कर नहीं पाया मैं। आफ्टर द शूट एवरी डे मैंने बोला चलो यार जाके वहाँ गिनेस नाम का एक बियर मिलता है। मेरे को परेश जी ने बहुत बोला पी लो, बहुत यस यस, और कमाल का हेल्दी बियर है वो, तो ये नहीं पीता था यार। मुझे बोलते थे इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं बहुत। हाँ नहीं वाकई वाकई इसे वेरी बेस्ट चीज क्या थी वहां पे, मैंने एक चीज नोटिस की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेस्ट चीज नोटिस की कि कार्तिक जो थे परेश जी के टेक्नो गुरु बन गए थे। मतलब कि पूरा ट्विटर और व्हाट्सएप और सब सिखा दिया,
एवरी डे ही वॉज देयर कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है. मतलब मैं देखता था कि एक मोबाइल परेशी लेके आए थे कोई नया, और रोज बैठ के वो करते थे. रोज परेशी कुछ सेटिंग बिगाड़ के लाते थे उसकी, वो फिर सेटिंग ठीक करता था उसकी. भैया मुझे छाता खोलना आता नहीं और मैं आईफोन लेके बैठ जाऊँ तो मेरी क्या हालत होगी. तो कार्तिक यूज टू हेल्प मी. इंजीनियरिंग आपने सुनी थी, मैं इंजीनियर हूँ, तो इनने एक बार, तू इंजीनियर है, हाँ तो मेरा फोन ठीक कर दे. तो अच्छा घर है वॉशिंग मशीन. अच्छा मेरे मेरे बारे में गलत फहमी छपी है आईएमडीबी या विकिपीडिया जो भी कुछ है उसमें, बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे. खाम खा की स्टोरी बनाई. बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, एनएम कॉलेज में पढ़ता था. और जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बनूँगा. Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Kriti. Kriti, you are a prominent face in the regional industry, and this is your second movie in Bollywood. So do you think Bollywood is finally taking regional cinema very seriously after the success of one particular movie? Thank you. I think Bollywood honestly has always taken regional cinema very seriously. It's the audience that didn't, and the audience is taking it now. The reason I say this is because there have been many remakes of South films that have gone on to do very, very well here. So Bollywood is always, the industry, the fraternity, the media also has taken South very seriously. Audience ka perception ab badla hai, which is great. But whatever said and done, most South films do really well. We do some really big numbers. तो ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो गया, जिस वजह से इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज हुआ है. बट आई फील द फ्रेटर्निटी एंड द मीडिया इन बॉलीवुड इन बॉम्बे हैज़ ऑलवेज टेकन द साउथ वेरी सीरियसली. यू हैव सीन मोस्ट ऑफ सलमान सर्स फिल्म्स आर रीमेक्स ऑफ साउथ फिल्म्स, अ लॉट ऑफ हिज हिट्स. सो अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे होते तो वो रीमेक्स कभी बनती नहीं. एंड हाउ एग्जैक्टली वाज इट वर्किंग विद परेश रावल मैचिंग अप हिज कॉमिक टाइमिंग? सी देयर इज नो मैच टू इट. हम कितनी भी कोशिश कर लें, as great an actor as Karthik and I, you know, could be in the future, jo sir ka experience hai wo hai, you can't change that, you can't take that away from him. Only thing is I'm grateful for the opportunity and I'm grateful ki mujhe ye opportunity mili hai ki maine unke sath kaam kara hai. For me I've had one very emotional moment. I have grown up watching, being a drama queen, watching television, TV serials, movies, name it, and it was there for me. Moment in this film was when my parents came on set. Unhone kabhi zindagi mein nahi socha tha ki main Bollywood ki koi movie karungi, movies karungi altogether. Then I got into South and they saw me doing a Hindi film. And when they found out I'm doing a film with Paresh ji, they flew all the way from Bangalore just to get a picture clicked with him. And for me that was a moment of pride because उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें वो बड़े पर्दे पर देखते हैं वो उनसे कभी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ फोटो क्लिक करवाएंगे. सो फॉर मी मोर देन एनीथिंग एल्स दैट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड. परेश ओके लास्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. जस्टिन हियर फ्रॉम पीटीआई, सो हियर टुवर्ड्स स्लाइटली योर लेफ्ट. या परेश, व्हेन द ट्रेलर वाज आउट देयर वर सर्टेन जोक्स इन द फिल्म व्हिच वर परहैप्स एंटी पाकिस्तानीज एंड योर फैंस अक्रॉस द बॉर्डर वर अ लिटिल हर्ट एंड ऑफेंडेड बाय इट. They felt that perhaps the jokes were targeted to them. Would you like to clarify anything on that? Yeah, mazak hai, humor hai. Nothing serious about it. Pakistan ke bare mein serious kya hona abhi aap? Anybody wants to be serious about Pakistan? To jo joke hain, bahut acche joke hain, bahut healthy joke hain, bahut funny. Isme ek dusri great line bhi hai. Jab main meri wife ke bare mein baat karta hu, I think that's a wonderful line. Yeah, bahut khoobsurat line hai. Ashwini ji. वो कहते कि उसका नाम तो खान है, माने मुसलमान. मैं बोलता हूँ, वो बोलती है, आप उसका जवाब दीजिएगा. बोलती है कि चाची का नाम शाजिया खान है, सरनेम चेंज नहीं हुआ शादी के बाद. मैंने इंसान से शादी की है, मुसलमान से नहीं. ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी. तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और वॉट एवर, वी जस्ट हैड अ कपल ऑफ जोक्स एंड वो बहुत हम फन मिले. हम अपने पे जोक बनाते हैं. हमने हमारे ऊपर भी जोक मारे हैं, नेता के ऊपर भी जोक मारे हैं. वो आप सुनिएगा, काफी जोक नेताओं पे, अभिनेताओं पे भी मारे हैं. तो काफी टची मत होइए और उसको इश्यू मत बनाइए. हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल उसको सीरियस मत होइए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी सीरियस, वी आर फनी फिल्म. हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी इससे पहले कि खत्म हो. आप किसी ने पूछा था परेश जी की कॉमिक टाइमिंग, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा. आप फिल्म देखिए परेश जी की कॉमिक टाइमिंग की क्यों बात करते हैं सिर्फ हम. इन्होंने इतने कमाल के रोल किए हैं आज से नहीं पहले से, बट बहुत बढ़िया अद्भुत इमोशनल सीन्स किए हैं. मैं तो बोला परेश जी से, मुझे बलराज जी की याद आ गई कुछ सीन्स में. मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत
मैं बहुत खुद छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत मामूली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दो तीन एक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में, बलराज सहनी साहब, मोतीलाल जी, इनका तुलना किसी से हो नहीं सकती. बट कुछ सीन परेश जी के थे जहाँ मुझे उनकी याद आ गई, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैंने उनको बोला भी. सो सिर्फ कॉमिक रोल्स की टाइमिंग की बात नहीं है, एज एन एक्टर ही इज कम्प्लीट एंड सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है इनके पास. परेश जी, नो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, वी वोंट टेक एनी मोर क्वेश्चंस. हेलो हेलो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, आई जस्ट सेड दैट दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट. ओके ओके ओके, लेट्स गो फॉर इट. ओके, परेश जी, मेरा नाम किशन है और मैं वायरल बॉलीवुड से बोल रहा हूँ. सर, हाल ही में शाहरुख खान की जो फिल्म प्रोमो को लेके काफी विवाद हुआ था इंटरकॉम. भाई आप किस फिल्म के लिए आए यहाँ पे, किस फिल्म के लिए आए यहाँ पे सर, किस फिल्म के लिए आए भाई साहब, सेंसरशिप सर, किस फिल्म के लिए आए आप, हमारी फिल्म की बात कीजिए ना प्लीज भाई, हमारी फिल्म की बात कीजिए, फोटो ऑफ हो जाए यहाँ पर, प्लीज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत लव, अफेक्शन, टाइम, केयर एंड कंसर्न, थैंक यू. खड़े हो जाए. All right, let's have some beautiful pictures. And don't forget, releasing this Friday, Guest in London. We would love it agar aap log hamare guest banenge for 3 hours. Usse zyada hame pasand nahi hai guest. But then for 3 hours, samay nikaliye aur aaiye zarur. Oh, just two. Wah, kya baat hai. So for 2 hours, aaiye samay nikaliye and be a part of this beautiful film, Guest in London, releasing this Friday. Thank you so much, ladies and gentlemen. It was great having you here this afternoon. Thank you.